आखिरकार ईशान अपने मंसूबों में कामयाब हो ही गया। रामटेक जैसे शहर से आई एक लड़की बेचारी हार मानकर क्या वापस चली जाएगी। जाहिर सी बात है कि सभी ने जो बात की कि यहाँ पर एक लड़की को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, कहीं ना कहीं उसकी ये बात वाकई में सच है। एक तरफ उसके जीजा ने उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश की, वहीं दूसरी तरफ भी ईशान और बोर्ड के बाकी मेंबर उसकी बात पर विश्वास करने को तैयार नहीं। सिर्फ और सिर्फ उसकी बहन हरनी है जो ये बात जानती है कि सभी झूठ नहीं बोल सकती, और इसीलिए अब हरनी सभी का साथ देती नजर आ रही है। लेकिन हम आपको बता दें कि यहाँ पर आने वाले दिनों में एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, जहाँ पर सभी का ACP दोस्त जो है वो ये बात कहता और करता नजर आएगा कि यहाँ सभी की बिल्कुल कोई गलती नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हम आपको बता दें कि अब सभी पर बड़ी आफत आने वाली है। सभी ने ये बात साफ कही है कि वो रामटेक चली जाएगी। उसे मालूम है कि यहाँ पर अगर अब उसे हॉस्टल नहीं मिलता है तो वो यहाँ नहीं रह पाएगी, और इसीलिए उसने साफ साफ रामटेक जाने की बात कह दी है। हम आपको बता दें कि अब यहाँ पर रामटेक के लिए निकली सभी को मनाने और रोकने के लिए पहुँचने वाला है ईशान। जी हाँ, यहाँ पर ईशान जाकर उसे साफ साफ रोकने की कोशिश करेगा और उसे कहता नजर आएगा कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम आपको बता दें कि यहाँ पर ईशान को अपनी गलती का एहसास होने वाला है। उसे इस बात का एहसास होने वाला है कि उसने सभी पर शक करके गलत कर दिया है। एक बात तो तय है कि यहाँ पर सभी रामटेक इसीलिए जा रही है क्योंकि यहाँ वो अपनी बहन के घर अब रह नहीं सकती, और हॉस्टल देने से ईशान ने उसे इनकार कर दिया है। और यहाँ जब वो रामटेक के लिए बस लेने के लिए पहुँचती है तो वहाँ पर आ जाएगा ईशान, जो हाथ जोड़कर उससे माफ़ी मांगता नजर आएगा। आप इस बारे में क्या कहेंगे, कमेंट में अपनी राय लिखकर ज़रूर बताएं। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।